Alright as a mafia action uh, again action against the mafia raj continues in the state of Uttar Pradesh a controversial remark that's now been made by uh, the BJP MP Subrat Pathak where he says uh, in fact he's uh, made a Vikas Dubey comparison by saying that if Atik's car overturns uh, he would not be surprised so BJP MP there's talking a uh, row uh, with this controversial remarks that he's made where he said said that he wouldn't be surprised if Ateeq's car overturns uh, going on to add that, uh, that this uh, of course comes in wake of the bulldozer action that we are seeing uh, in the state of Uttar Pradesh in several of those districts. Uh, remember, he's drawn a Vikas Dubey comparison here. Uh, he says that he wouldn't be surprised if uh, Atik's car overturns. Uh, let's, let's in fact listen in uh, to the exclusive conversation where we, uh, that we had with uh, Subrat Pathak of the BJP. पार्टी को बुरा लगेगा स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला है पोसा है उनको बड़ा किया है अतीक बनाया है मुख्तार बनाया है अरबों खरबो संपत्तियां पैदा कराई हैं तो आप बताओ मैं कुत्ता भी पालते है मर जाता है दर्द होता है कि नहीं होता है तो ये माफिया मरेंगे इनको नहीं दर्द होगा इस पूरे मामले में उमेश पाल हत्याकांड में एक इनकाउंटर हो चुका है और लगातार आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है बुलडोजर जो है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है बुलडोजर बाबा के तर्ज पर क्या कहेंगे इस पर भैया अगर 2005 में जब राजूपाल की हत्या हुई थी राजूपाल जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य था विधायक था निर्वाचित लोगों ने चुना था वोट देकर और उसकी जब सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी गई थी उस समय पर सांसद कौन था अतीक अहमद किस पार्टी से समाजवादी पार्टी से सरकार किसकी थी समाजवादी पार्टी की मुख्यमंत्री किसका था समाजवादी पार्टी का और उस समय के ऊपर ही जिसका हिसाब किताब हो गया होता तो समाज बुलडोजर चलाने की नौबत नहीं आती अच्छा लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि अपराधियों को सजा कानून के हिसाब से मिलेगी लेकिन आप कहीं ना कहीं इच्छा जता रहे हैं कि गाड़ी पलट जाए देखो मैं तो मैं उसके घर वाले क्या बोल रहे थे आपने सुना नहीं उमेश पाल की माँ क्या बोल रही है उमेश पाल की पत्नी क्या बोल रही है यही इनका अंजाम होना चाहिए इनका एनकाउंटर होना चाहिए इनको मार देना चाहिए इनको फांसी क्यों दर्द है उसका कि किसी का बच्चा कोई मार देगा किसी के पति कोई मार देगा किसी के बाप को कोई मार देगा और वो बेचारा असहाय है तो हमने तो कितनी बार सुना कि किसी के बाप की हत्या कर दी गई तो उसके 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 मतलब उस, उसके परिवार वालों ने बदला लिया कि नहीं लिया आपने हम लोग तो बुंदेलखंड हम लोग तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं हमारे तरफ आला चलता है आला में कहा जाता है जिसके बाप की हत्या कर दे तो वो बेटा नहीं है यदि अपने बाप का बदला ना ले सके तो बेचारे कमजोर आदमी बदला नहीं ले सकते तो उनका बदला सरकार लेगी लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कानून पर सरकार को भरोसा नहीं है कि ऐसी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा देखो उसकी मां ने कहा कि मुझे केवल योगी के ऊपर भरोसा है मुझे किसी पर भरोसा नहीं है मुझे सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भरोसा है योगी के ऊपर भरोसा है तो उसकी माँ ने बोला है भाई अच्छा अब आखिरी सवाल है मेरा की आप क्या चाहते हैं मतलब सच में गाड़ी पलट जाए कल पलटती हो तो आज पलट जाए Alright, so there you heard the BJP MP uh, Subrat Patak stoking a controversy with the controversial remarks he made. He continues to stand his ground over uh, the remarks he'd made earlier where he uh, drew the Vikas Dube comparison, saying that if uh, Tik's car overturns, he will not be surprised in Republic having confronted the BJP MP, who says uh, that he still stands his ground as far as those remarks are concerned.